हाथ जोड़ के सत श्रीकाल जी सारिया नू। मैं हूँ गर्व और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गर्व्स लाइफ। तो गाइस आज की ये वीडियो बनने वाली है कार्बोरेटर ट्यूनिंग के ऊपर, जो कि हम बुलेट के अंदर करेंगे। तो ज़्यादा मेजर इश्यूज आते हैं गाइस अपनी बुलेट की एवरेज के ऊपर। तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमारा बुलेट एवरेज नहीं दे पा रहा ज़्यादा, तो उसका क्या कारण होता है? तो मेजर कारण होता है गाइस आपकी बाइक की ट्यूनिंग। ट्यूनिंग जितनी सेट होगी आपकी एवरेज उतनी ही अच्छी निकलेगी, चाहे वो हाईवे पे हो चाहे वो अपना सिटी में हो। हाँ, कुछ हाईवेज और सिटीज़ में फ़र्क पड़ता है एवरेज का ज़रूर, बट ये कि जब अपन लेते हैं कंपनी से नया बाइक तब ट्यूनिंग अच्छे से नहीं की होती, वो उन्होंने बढ़ा के करी होती है ताकि जब कस्टमर स्टार्ट करे इसको बुलेट को फर्स्ट टाइम, तब बुलेट का इंजन मिसिंग ना मारे और बुलेट फटाफट स्टार्ट हो जाए। तो ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन कि हाँ हमारा बुलेट फटाफट स्टार्ट हो गया और बहुत अच्छा इंजन है, बट ट्यूनिंग ना सही होने की वजह से आपका एवरेज में बहुत फ़र्क पड़ता है, एवरेज बहुत कम निकलती है। तो आज इसी को सही करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एवरेज कैसे अच्छी निकलेगी अच्छी ट्यूनिंग करने के ऊपर। और ट्यूनिंग करने का बहुत अच्छा एक हिसाब होता है, तो आज मैं वही बताऊँगा आपको। तो गाइस पहले तो जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं मेरे चैनल पे, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है आपको पहले देखने को मिले। तो मैं बहुत वीडियोस बनाता रहता हूँ बुलेट के ऊपर, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि भैया आप ये बनाओ इसके ऊपर, काफ़ी मुझे मैसेजेस पढ़ता हूँ मैं फ्रेंड्स के, तो उसी के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ बुलेट के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं सारा प्रोसेस, काफ़ी इजी स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम शुरू करते हैं इसकी ट्यूनिंग। तो गाइस काफ़ी इश्यूज आते हैं जब हम रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे वर्कशॉप पे जाके अपनी ट्यूनिंग सेट करवाते हैं तो अच्छे से हो नहीं पाती, तो काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, तो वही इशू हम सॉल्व करेंगे आज इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि क्या होता है इसकी ट्यूनिंग करने के लिए पहले। तो गाइज़ ये जो आप नट देख रहे हैं ये होता है अपना मिक्सचर स्क्रू, ठीक है, जिसमें कि ऑयल एंड अपना पेट्रोल एंड ऑक्सीजन मिक्स होके अपना चैम्बर में जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं गाइज़ ये है अपना RPM को सेट करने के लिए नट बोल्ट, जो कि आप इसको थ्रोटल नट भी कहते हैं कि अपनी रेस सेट करने के लिए, इसको ऊपर नीचे करने के लिए आप इसको घुमा। तो ये जो नट होता है इसको घुमाने से अपना जो अपना RPM होता है रेस होती है वो घटती और बढ़ती है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली हम सेट करते हैं। तो गाइज़ ये जो दोनों है इनकी ट्यूनिंग अच्छे से हो जाए तो बहुत ही परफेक्टली एवरेज निकलेगी और साउंड में और इंजन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आप दोनों को परफेक्टली रखेंगे और जो इसका RPM है अराउंड 600-700 तक रखिए, जो कि आइडल होता है और बहुत परफेक्टली होता है। तो गाइस अब RPM की बात तो होगी कि हमने इसको कितने पे रखना है, अब आती है मिक्सचर स्क्रू की बात, इसकी चूड़ी कितनी रखनी है। तो चूड़ी जो आइडल होती है वो है 2.5 से 3 चूड़ी। तो जो मुझे जब मैंने बुलेट लिया तो तब थी अराउंड 5 से 6 चूड़ी थी इसकी, जो कि अच्छी नहीं होती और एवरेज भी बहुत खाती है। तो इसलिए जो आइडल होता है वो होता है 2.5 से 3 चूड़ी। तो हम शुरू करते हैं इसकी 2.5 से 3 चूड़ी कैसे घुमाएं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई साहब गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट और मैं इसका थोड़ा RPM बढ़ा देता हूँ, RPM थोड़ा बढ़ चुका है। अब ये जो स्क्रू है हम इसको पूरा टाइट कर देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी गाड़ी बंद हुई है जहाँ पे मैंने इसको टाइट करा था। अब इस यहीं से शुरू करते हैं, इसकी 2.5 से 3 चूड़ी परफेक्टली घुमाएंगे हम और आधा आधा चूड़ी करके घुमाएंगे ताकि अच्छे से हो जाए, एकदम एक एक दो दो नहीं करनी, आधा आधे से शुरू करनी है और 2.5 तक लेके जानी है इसको। और आप देख सकते हैं गाइज इस पोजिशन पर मेरी गाड़ी बंद हुई है। अब यहाँ से हम लेंगे हाफ, ये हो गया हाफ, ये हो गया एक, ये हो गया डेढ़,
ये हो गया दो और ये हो गया अपना ढाई। तो ये हो गया ढाई गाइस यहाँ पे। तो गाइस आपने देख लिया होगा कि कैलकुलेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे मेरा ढाई पूरा हो चुका था, तो अब परफेक्टली आप देख लीजिए, आपको समझ लग गई होगी कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो अब मैं अपनी गाड़ी को करूँगा स्टार्ट और देखते हैं इसकी ट्यूनिंग परफेक्टली हो चुकी है या नहीं। तो अब हम अपनी गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। तो गाइस परफेक्टली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और जो इसका आरपीएम का नट है इसको आप अपने हिसाब से स्लो कर लीजिए, नीचे डाउन कर लीजिए थोड़ा। हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल सेट है, ना ज़्यादा ज़्यादा है ना बहुत कम है, ताकि आपकी गाड़ी बंद ना होए। ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसकी आवाज़ भी देख सकते हैं गाइस, इसकी आवाज़ में फ़र्क, इसकी आरपीएम जो सेट हुई है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है। तो देखिए गाइस, आपकी ट्यूनिंग परफेक्टली हो चुकी है। तो आप, मैंने जो सेट करी है वो ढाई पे करी है, आप तीन भी करवा सकते हैं, तीन भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना इशू नहीं है। तो कई बार होता है कि अपन सर्विस सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे इनको अच्छे से नहीं करनी आती, या वो जानबूझ के नहीं करते ट्यूनिंग, ताकि आपकी गाड़ी मिसिंग ना करे, ये ना करे, तो इसलिए वो ज़्यादा इस पर ऊपर ही बढ़ा के रखते हैं, चार या पाँच चूड़ी रखते हैं, ताकि आपकी गाड़ी मिसिंग ना हो। बट ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आप इस पर रखेंगे ढाई से तीन तो आपकी एवरेज बहुत अच्छी निकलने वाली है गाइज। तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया होगा मेरी ट्यूनिंग कैसे करी है मैंने, तो आप भी बहुत ही आसानी से घर पे ही कर सकते हैं, आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नहीं कि बुलेट बाकी गाड़ियों में सेम ही होती है, सिमिलर ही होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता ट्यूनिंग का, वो तो अपने हिसाब से बंदा कर लेता है जिसको थोड़ी नॉलेज हो जाती है, जैसे कि मैंने भी सीखा है कहीं से, ये नहीं कि मुझे खुद को आती थी, मैंने भी बहुत सर्च किया कि कैसे इसको करते हैं, कैसे सबसे परफेक्ट ट्यूनिंग होती है इंजन की, ताकि मेरी गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी हो जाए। और लगभग 1.5 साल हो गया गाइस, काफ़ी अच्छी एवरेज आ रही है मेरी बाइक की, अराउंड 40 to 42 किलोमीटर पर लीटर। तो चलिए गाइस, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखते रहिए, और अगर कोई सजेशन है तो गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं और ऐसी सिमिलर वीडियोज़ रॉयल इनफील्ड के ऊपर बनाता रहूँ और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। चलो ठीक है गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल।